Hello everyone, I am back with the second lecture of the chapter Landscape of the Soul, written by Nathalie Trouveroy from your book Hornbill. Students, in the previous lecture we have already discussed about the author, about the title of the chapter, about the themes of the chapter, and we also discussed one story that the author told us about the Chinese artist, and his name was Wu Daozi. स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑथर के बारे में डिस्कस किया, थीम डिस्कस किया चैप्टर का, टाइटल डिस्कस किया, और हमने एक स्टोरी डिस्कस की थी जो ऑथर ने हमें सुनाई है चाइनीज़ आर्टिस्ट के बारे में, जिसका नाम था वु दाओजी. एंड थ्रू दैट स्टोरी वी गॉट टू नो दैट चाइनीज़ आर्ट इज़ नॉट ओनली अबाउट द एक्चुअल व्यू ऑफ द पेंटिंग और ऑफ द आर्ट, बट इट इज़ लुकिंग इन टू द सोल ऑफ द आर्ट. चाइनीज़ आर्ट के बारे में हमने ये देखा कि चाइनीज़ आर्ट सिर्फ जो बाहर से जो चीज़ दिखाई दे रही है उस आर्ट में, उस पेंटिंग में, सिर्फ उतने के बारे में ही नहीं है, बल्कि हम लोगों को ज़रूरत होती है कि उसके सोल में झांक करके देखने की कि वो क्या बताने की कोशिश कर रही है. बेसिकली वी नीड टू हैव एन आई टू लुक एट द पेंटिंग थ्रू द पेंटर्स व्यू. जो पेंटिंग बनाते हैं चाइनीज़ आर्टिस्ट, हम लोगों को ज़रूरत है कि हम लोग उनको उनकी नज़रों से देखें एंड टू अंडरस्टैंड द पेंटिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ व्यू, और उस पेंटिंग को हम लोग पेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझें, दैट व्हाट स्टोरी इज द पोएट इज ट्राइंग सॉरी व्हाट स्टोरी द पेंटर इज ट्राइंग टू पोर्ट्रे. उस पेंटिंग के थ्रू, उस आर्ट के थ्रू जो पेंटर है, जो आर्टिस्ट है, वो क्या कहानी बताने की कोशिश कर रहा है. वी लुकड एट द पेंटिंग ऑफ दैट लैंडस्केप, जिसमें एम्परर को तो वो सिर्फ लैंडस्केप ही दिखाई दे रहा था, पहाड़, नदियाँ, झरने, यही सब दिखाई दे रही थी उसमें, उस पेंटिंग में लैंडस्केप. लेकिन वो आर्टिस्ट को वो एक लाइव पेंटिंग की तरह उसने देखा, वु दाओजी, और उसी में वो वैनिश हो गया, और वो उसकी आखिरी पेंटिंग थी. वो पेंटिंग उसके यू कैन से लाइफ ऑल्टरिंग पेंटिंग हो गया उसके लिए. वो उसने उसमें उसमें इतनी जान डाल दी कि वो क्लैप कर रहा था कि उसके हिसाब से उसने वु दाओजी ने उस पेंटिंग में इतना जान डाल दिया कि वो क्लैप किया तो वो गुफा का दरवाज़ा खुल गया. वो उसके अंदर बोलता है कि और भी अद्भुत है, यानी कि उसने कुछ तो बनाया होगा उसके अंदर, कुछ तो इमेजिन किया होगा, तब तो वो उसके अंदर चला भी गया और वापस से वहाँ पे वैनिश भी हो गया, और उसकी पूरी की पूरी पेंटिंग ही गायब हो गई. तो ये एक कहानी है जो कि ऐसे ऐसे क्लासिकल टेल्स हम बहुत सारे चाइना के एजुकेशन का पार्ट रह चुका है, जिसको हम लोग अगर चाइना कभी गए तो हम लोग सुन पाएंगे, जैसे कि नैथली ने रिसर्च के टाइम पे सुना होगा और वो अब हम लोगों को सुना रही हैं. तो वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट टू स्कॉलर्स ऑफ टू फिलोसफर्स जिनका नाम था चाइनीज़ फिलोसोफर्स थे जिनका नाम था कॉन्फ्यूशियस एंड ज़ुआंगज़ी. इन लोगों ने ये फिलोसोफर्स थे और इन लोगों ने अपने चेलों के लिए, ये जो दोनों मास्टर थे, इन लोगों ने अपने चेलों के लिए ऐसे ऐसे कई सारे, डिसाइपल का मतलब होता है चेले, इन लोगों ने अपने चेलों के लिए ऐसे ऐसे कई सारी कहानियों को इकट्ठा किया था ताकि ये लोग उनको सही दिशा दिखा सके इन कहानियों के थ्रू. और बियॉन्ड दैट एनेक्डोट, इस किस्से के आगे भी, ऐसा नहीं था कि सिर्फ ये किस्सा था, इसके आगे भी थी बहुत सारी ऐसी गहरी, बोल सकते हैं ना, गहरे राज को निकालने वाली. तभी कोई भी पेंटिंग, कोई भी आर्ट में ऐसा कोई गहरा राज छुपा होता था, तभी वो आर्ट कंसिडर किया जाता था. तो किस्सा सिर्फ सुनने से नहीं, बल्कि उसके पीछे का स्पिरिट को जानना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, तभी उसको आर्ट कंसिडर करते थे, विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. ठीक है, दे आर डीपली रिवीलिंग ऑफ द स्पिरिट इन विच आर्ट वॉज कंसिडर्ड. और ये लोग इसी नज़रिए से किसी भी आर्ट को देखते थे. ठीक है, कॉन्ट्रास्ट द स्टोरी और अनदर फेमस वन अबाउट अ पेंटर हु वुडंट ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन ही हैड पेंटेड फॉर फियर इट वुड फ्लाई आउट ऑफ द पेंटिंग विथ एन ओल्ड स्टोरी ऑफ माई नेटिव फ्लैंडर्स दैट आई फाइंड मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ वेस्टर्न पेंटिंग. अब पोएटिस एक और स्टोरी, चाइनीज स्टोरी के बारे में ही बात करती हैं और कहती हैं कि एक और आर्टिस्ट था, एक और पेंटर था, जिस जो कभी भी डर से, वो उसने एक ड्रैगन बनाया था. ठीक है, वो एक ड्रैगन बनाता है और सॉरी, ये चाइनीज आर्टिस्ट नहीं था, ये एक किसी भी आर्ट की बात करी, एक पेंटर की बात कर रही हैं, जिससे उनको याद आता है कि उसने एक ड्रैगन बनाया था और उस ड्रैगन की वो कभी आँखें नहीं बनाता था.
उस क्यों नहीं बनाता था, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि कहीं उसने उस ड्रैगन की आंखें बना दी तो कहीं वो ड्रैगन उड़ने ना लग जाए। मतलब वो अपनी पेंटिंग को इतनी रियलिस्टिक तरीके से बनाया था बाकी का पूरा पार्ट ऑफ द ड्रैगन कि उसको डर था कि कहीं अगर वो आँख बना देगा तो वो ड्रैगन सच में उड़ने लग जाएगा। मतलब उसको उस नज़रिए से देखना होगा, ठीक है, कि वो उसका सोल, उस कहाँ, उस पेंटर का सोल। हम लोग देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि दिस इज़ अनबिलीवेबल कि कैसे हो सकता है, तो पेंटिंग है, ठीक है, उसमें से थोड़ी ना उड़ के निकलने लग जाएगा, बना भी देंगे तो भी थोड़ी उड़ेगा, तो ये हम लोग कभी बिलीव नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो पेंटर का वो सोल है, वो स्पिरिट है, वो ये जानता है कि अगर वो शायद वो अगर उसकी आँखें बना देता तो वो उड़ने लगता। अब इस पेंटिंग में से गुफा थी, गुफा के अंदर जाकर के गायब हो गया, पेंटिंग भी गायब हो गया, तो वाई वॉज दिस नॉट पॉसिबल? ये भी तो पॉसिबल था ना कि अगर सच में वो उसकी आंखें बना देता, उस ड्रैगन की आंखें, तो ड्रैगन उड़ने लग जाता। तो इस डर से उसने कभी भी उस ड्रैगन की आंखें बनाई ही नहीं, ठीक है। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में, इसी से कंपेयर करते हुए वो एक स्टोरी और याद करती हैं जो उनके अपने नेटिव फ्लैंडर्स की है, ठीक है। नेटिव यानी कि अपना उनका जहाँ घर था वहाँ, और वो जगह कौन सी थी? फ्लैंडर्स। फ्लैंडर्स एक जगह है, ठीक है, यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में, जहाँ की ये खुद हैं। वेस्टर्न यूरोप में एक जगह है जिसका नाम है फ्लैंडर्स, जहाँ की नाथनी ट्रुवेरॉय हैं, ठीक है। और यहाँ इस जगह की ही कथा ये बता रही हैं, एक कहानी ये बता रही, नॉट कथा, एक कहानी ये बता रही हैं। अब यानी कि हम लोग अभी तक चाइनीज़ आर्ट के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब हम लोग यूरोपियन आर्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। यानी कि अब ये एक यूरोपियन आर्ट आर्टिस्ट या पेंटर के बारे में एक कहानी बताने जा रही हैं, ठीक है। तो उसके पहले भी उन्होंने एक कहानी सुनाई, बहुत छोटी सी कहानी, एक पेंटर था जो कि ड्रैगन की आँखें नहीं बनाता था क्योंकि उसे डर था कि वो उड़ने न लग जाए। तो इसी के कंपैरिजन में उन्होंने अब दूसरी कहानी वो सुनाने जा रही है जो कि इनके खुद के अपने शहर की, अपने जगह की है, वेस्टर्न यूरोप की, ठीक है। और ये कहानी इनके हिसाब से वेस्टर्न पेंटिंग का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव है, सबसे बड़ा प्रतीक है, सबसे बड़ा सिंबल है, ठीक है। इन द 15th सेंचुरी एंटवर्प अ मास्टर ब्लैकस्मिथ कॉल्ड क्विंटन मेट्सिस फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर। अब वो बताते हैं कि 15th सेंचुरी में एक जगह थी जिसका नाम था एंटवर्प, ठीक है, ये बेल्जियम में एक जगह है, बेल्जियम में एक जगह है जिसका नाम है एंटवर्प। वहाँ पे 15th सेंचुरी की एक कहानी बता रही हैं जिसमें एक मास्टर ब्लैकस्मिथ था और ये उसका नाम था क्विंटन मेट्सिस, क्विंटन मेट्सिस, यानी कि जो आर्टिस्ट है उनका नाम है क्विंटन मेट्सिस। फिर से सुनो, एक जगह है जिसका नाम है एंटवर्प, ये है बेल्जियम में, और ये कहानी 15th सेंचुरी की है जहाँ पे एक ब्लैकस्मिथ था, एक लोहार था जिसका नाम था क्विंटन मेट्सिस, ये इसकी कहानी है, ठीक है। इसे प्यार हो जाता है, फेल इन लव विथ अ पेंटर्स डॉटर, इसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है, लेकिन ये तो लोहार है, ठीक है, तो इसे एक पेंटर की बेटी से प्यार हो जाता है। द फादर वुड नॉट एक्सेप्ट अ सन इन लॉ इन सच अ प्रोफेशन, और दुविधा की बात यह है कि जो फादर इन लॉ है यानी कि जो लड़की के पिता हैं वो एक ऐसे प्रोफेशन वाले लड़के को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, यानी नहीं मान रहे हैं, उनके रिश्ते को वो मान नहीं रहे हैं, ठीक है, कि मैं एक पेंटर हूँ, वो एक लोहार है, तो ये पॉसिबल नहीं है कि मेरी बेटी एक लोहार से शादी करे या उससे प्यार करे, ठीक है। So Quentin sneaked into the painter's studio and painted a fly on his latest panel. तो पेंट एक दिन Quentin क्या करते हैं कि वो चुपके से, sneak का मतलब चुपके से, painter के studio में आ जाते हैं और studio में एक panel जिसपे एक canvas जिसमें painting किया जाता है ना, ऐसे stand लगा होता है, stand के ऊपर जो canvas होता है जिसमें paint करते हैं, तो वो लगा हुआ था और उस पर कुछ बना हुआ होगा। तो उन्होंने क्या किया, क्विंटन ने क्या किया कि उस पर एक मक्खी बनाई,
फ्लाई बना दिया, पेंट किया, ठीक है. विथ सच डेलिकेट रियलिज्म दैट द मास्टर ट्राइड टू स्वॉट इट अवे बिफोर ही रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड. और जब वो वहाँ से चला गया पेंटिंग वेंटिंग बना करके, जब वो मक्खी बना करके उस पैनल पे जो भी पेंटिंग बनी हुई थी उसके ऊपर उसने क्या किया था, मक्खी बनाई थी, ठीक है. तो मक्खी उसने बनाई और उसके बाद वो वहाँ से चला गया. क्विंटन ने मक्खी बनाई और वहाँ से वो चला गया. उसके बाद जब वहाँ पे जो मास्टर है यानी कि जो पेंटर है वो वहाँ आया, यानी कि लड़की के पिता जब वहाँ पे आए, तो वो इतने डेलिकेट और इतने रियलिस्टिक तरीके से उसको, इतने नाजुक और इतने उसमें इतना रियलिज्म डाला, यानी कि इतनी असलियत डाली, इतने असली तरीके से उसको बनाया उस मक्खी को, कि पेंटर ने उसको भगाने की कोशिश की, स्वॉट करने की कोशिश की, ठीक है. झटकते हैं ना हम लोग, मक्खी वक्खी आ जाती है तो झटकते हैं ना, तो वैसे झटकने की कोशिश की. तो सोच करके देखो कि उसे क्या रियलाइज़ हुआ, कि उसके पैनल पे सच में तो कोई मक्खी नहीं बैठी हुई है, तभी तो उसने झटकने की कोशिश की होगी ना, तो वो पेंटिंग कितना रियल दिख रहा होगा, है ना. जैसे कि उसके उस पेंटर का ड्रैगन कितना असली दिख रहा होगा, कि उसको ये डर हो गया कि अगर वो आंखें बनाएगा तो वो उड़ जाएगा, है ना. वैसे ही इसका फ्लाई कितना रियल दिख रहा होगा उस पेंटिंग में, कि एक पेंटर को इस बात का यकीन नहीं हुआ और वो उसको झटकने की कोशिश किया, ठीक है. तो कितना रियलिज्म के साथ उसको उसने बनाया होगा, और फिर जा करके उसको समझ में आया कि ये तो असली असली मक्खी है ही नहीं, ये तो एक पेंटिंग है. क्विंटन वॉज इमीडिएटली एडमिटेड एज एन अप्रेंटिस इनटू हिज स्टूडियो. और क्विंटन को एक अप्रेंटिस की जगह दे दी गई, एक ट्रेनी की जगह दे दी गई, यानी कि वो उसके उनके अंदर फिर पेंटिंग सीखने लगा. शिक्षु अप्रेंटिस का मतलब होता है शिक्षक, जो चेला, ठीक है. तो ये अपने ही फादर इन लॉ के अंडर काम करने लगा, वहाँ पेंटिंग सीखने लगा. वो पेंटिंग सीखने लगा. ही मैरिड हिज बिलव्ड एंड वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटर्स ऑफ हिज एज. फिर उसने वहाँ पे उसने अपनी वो जिससे प्यार करता था यानी पेंटर की बेटी, उससे उसने शादी कर ली और फिर वहाँ से वो निकल गया दुनिया के उस सदी के सबसे फेमस पेंटर बनने के पाथ पे, रास्ते पे. यानी कि ये क्विंटन मेट्सियस ये बहुत फेमस पेंटर थे, लेकिन जब ये फेमस हुए थे उससे पहले उनके साथ ही इंसिडेंट हुआ था. फिर इन्होंने सीखा पेंटिंग, फिर इनको रियलाइज़ हुआ कि ये पेंटिंग कर सकते हैं, और फिर ये पेंटिंग करते करते बहुत अच्छे पेंटर, बहुत फेमस पेंटर, अपने उस एज के बहुत फेमस पेंटर बन गए. दीज टू स्टोरीज इलस्ट्रेट वॉट ईच फॉर्म ऑफ आर्ट इज ट्राइंग टू अचीव. ये दोनों जो कहानियाँ हैं, ये दोनों कहानियाँ से हमको क्या समझ में आ रहा है, ये क्या जताना क्या चाहती है, क्या बताना चाहती हैं. ये बताना चाहती हैं कि ये जो दोनों ही आर्ट हैं, दोनों अलग अलग आर्ट हैं और दोनों ही अपने अपने पर्पस को अचीव करती हैं. एक स्टोरी जो रियल, जिसमें रियलिज्म नाम का कोई चीज़ नहीं है, वो लेकिन वो लाइव है उनके हिसाब से, पेंटर के हिसाब से. और दूसरा वो इतना रियलिस्टिक है कि उसमें जो पेंटर है या जो ऑडियंस है उसको वो असली दिखाई देता है, ठीक है. यानी कि ऑडियंस उसको डिफरेंस नहीं कर पाती है कि वो रियल है कि कुछ और है या पेंटिंग है, ठीक है. तो ये दूसरा वाला यूरोपियन पेंटिंग वो इतनी रियलिस्टिक होती है, और जो चाइनीज़ है वो रियल होने के बाद भी उसमें सब कुछ दिख रहा है, लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है कि कुछ और कहानी होती है उसमें, उसमें जो दिख रहा है वो एक्चुअली होता ही नहीं है, ठीक है. इस तरीके की अ परफेक्ट इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस. और ये ऐसा परफेक्शन के साथ बनाया जाता है जिसमें क्या होता है कि सच होने का भ्रम हो जाता है इंसान को. इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस मतलब आपको देखते देखते यकीन होने, उस पेंटिंग को देख के आपको यकीन होने लगेगा कि ये कुछ असली चीज़ है ना. इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम. पेंटिंग इतनी रियल दिखाई देती है कि उसमें ऐसा लगता है कि सच में है, ये भ्रम हो जाता है किसी को भी कि सच में तो नहीं है. इन यूरोप, और ये यूरोप की बात की जा रही है कि यूरोप के जो पेंटिंग होते हैं उनमें इल्यूजनिस्टिक लाइकनेस होती है कि इतना असली दिखाई देता है कि इंसान को भ्रम हो जाता है कि वो चीज़ सच में है वहाँ पे. द एसेंस ऑफ इनर लाइफ एंड स्पिरिट इन एशिया. और जबकि दूसरी तरफ
क्या दिखाई दे रहा है कि एशिया यानी कि चाइनीज़ पेंटिंग में क्या दिखाई देता है कि उसका स्पिरिट, इनर लाइफ, कि पेंटिंग के अंदर झांको, पेंटिंग के अंदर का एसेंस को फील करो, ठीक है, और स्पिरिट को देखो। तो दोनों ही स्टोरी यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट, दोनों ही स्टोरी से क्या दिखाया गया है, दोनों के अपने अपने कैरेक्टर्स को दिखाया गया। अच्छा खराब की बात यहाँ पे नहीं है, कौन अच्छा कौन बुरा इसकी बात नहीं की जा रही है। हम लोग इस बात पे बिल्कुल भी ये नहीं करना है, कंपैरिजन नहीं करना है। हम लोग बस यहाँ पे दिखा रहे हैं कि एक ये आर्ट है और एक ये आर्ट है, दोनों ही अपने अपने जगह पे बहुत खूब है ना, दोनों ही के अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक है, दोनों ही अपने अपने तरीके से अमेजिंग है। तो ये बस दो तरीके के, दो जगह के आर्ट को ऐसे ऐसे बताने की कोशिश कर रही हैं। तो ये तो सिर्फ दो जगह हुआ, और आप सोच करके देखो कि कहीं और ऐसे दुनिया भर में ऐसे कितने सारे आर्टिस्ट होंगे और कितनी सारी कहानियाँ होंगी दुनिया भर में। तो आर्ट कितना अंडररेटेड था, आर्ट को किसी ने इतना प्रेज क्यों नहीं किया, ठीक है। इन द चाइनीज स्टोरी द एम्परर कमीशंस अ पेंटिंग एंड अप्रिशिएट्स इट्स आउटर प्रेजेंस, आउटर अपियरेंस। जो चाइनीज पेंटिंग थी, एम्परर ही उसको कहानी को, उसके पेंटिंग को बनाने के लिए कहता है और बाद में उसको अप्रिशिएट भी करता है, लेकिन उसके आउटर अपियरेंस को प्रेज करता है, एडमायर करता है ना। पेंटर जो पेंटिंग वो दाउजी ने बनाई थी, वो एम्परर तो उसको देखता रह जाता है ना, एडमायर करता है, उसकी सराहना करता है, और सिर्फ आउटर यानी कि उसको जो बाहर से दिखाई दे रहा था उसको अप्रिशिएट करता है, यानी कि पेड़, पहाड़, नदी, झरने, वो जो दिखाई दे रहा था वही सब। बट द आर्टिस्ट रिवील्स टू हिम द ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क, लेकिन वो आर्टिस्ट उसको उस पेंटिंग का असली मायने बताता है कि उसमें एक्चुअली क्या है, क्या दिखना चाहिए, ठीक है। ये कौन बताता है? वो वु दाउजी बताता है। द एम्परर मे रूल ओवर the territory he has conquered, but only the artist knows the way within. तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बोली गई है कि जो एम्परर है, जो शासक है, वो भले ही अपने राज्य पे रूल कर ले, उस पर शासन कर ले, ठीक है, जिसको उसने जीता है, conquered, एम्परर का मतलब शासन और टेरिटरी का मतलब राज्य, और conquered का मतलब जीता है। तो एक राज्य को जिस एम्परर ने जीता है उस पर भले वो शासन कर लेगा, ठीक है, लेकिन उसका उसके लेकिन एक जो आर्टिस्ट होता है वही उसके अंदर का रास्ता पहुंच पाता है, उसको समझ पाता है कि उसके अंदर का रास्ता क्या है, यानी कि लोगों के दिलों का रास्ता क्या है, लोगों के सोच का रास्ता क्या है, उसके इमेजिन का रास्ता, इमेजिनेशन का रास्ता क्या है, ठीक है। ये सिर्फ एक आर्टिस्ट ही जान पाएगा। तो जो टेरिटरी है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या जो चीज़ नॉर्मल लोग, हम लोग नहीं देख सकते हैं, वो एक आर्टिस्ट उसको देख पाता है, ठीक है। लेट मी शो द वे द दाओ, अ वर्ड दैट मीन्स बोथ द पाथ और द मेथड एंड द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स। और वो कहते हैं ना कि उसने पोएट को, सॉरी, उसने एम्परर को बोला था उदाउजी ने कि लेट मी शो यू द वे, चलो आप गुफा के अंदर मैं आपको जगह दिखाता हूँ, यानी कि उसने लैंडस्केप बनाया था, उसने जगह बनाई थी, उसने सीनरी तो बना दिया, लेकिन उसके अंदर का रास्ता, उसके अंदर का जो रास्ता बाकी किसी को नहीं दिखता है, वो किसको दिखाई दे रहा था? वो उस पेंटर को दिखाई दे रहा था, यानी कि उसने लैंडस्केप तो बनाया था, वो भी तो जगह ही था ना, वो भी तो जगह का ही पेंटिंग था, तो वो तो उसने बना दिया, लेकिन उसके अंदर का जो रास्ता था उसको कौन देख पाया? सिर्फ दाओ ने देखा, यानी वो दाउजी ने देखा। तो ये द दाओ जो एक वर्ड है, अ दाओ, ये दाओइज्म को दिखाता है, ठीक है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्ड है दाओइज्म, यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब है पाथ और मेथड, यानी कि रास्ता और तरीका, ठीक है, रास्ता भी पता है और वहाँ तक जाने का तरीका भी पता है, ठीक है। द मिस्टीरियस वर्क्स ऑफ द यूनिवर्स, कि दुनिया की जो चीज़ें हैं या पूरे ब्रह्मांड में जो चीज़ें हैं वो कैसे काम करती हैं, हम लोगों ने पढ़ लिया कि यूनिवर्स में क्या क्या है, ठीक है, कौन कौन क्या, साइंस कैसे, ग्रेविटी कैसे, लेकिन ये ग्रेविटी आया कहाँ से ये तो नहीं पता। चीज़ें ऊपर से नीचे गिर जाती हैं तो ग्रेविटी की वजह से गिरती हैं, लेकिन ये ग्रेविटी कहाँ से आया, ठीक है, यूनिवर्स में ये सारी चीज़ें हैं ये पढ़ लिया, वो आया कहाँ से, इन सारी चीज़ों का रास्ता ये किसके पास होता है जानने का? एक आर्टिस्ट के पास होता है, ठीक है, यानी कि वो एक जरिया, ये एक मेटाफर की तरह इसको यहाँ पे बताया गया, कंपैरिजन किया गया है, नॉट एग्जैक्टली कि दाओ ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है पाथ और
मेथड दोनों ही उनके पास होता है, रास्ता भी होता है और उनके पास जरिया भी होता है, तरीका भी होता है। अब देखो वो जो पेंटिंग थी उसके अंदर कोई रास्ता हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन पेंटर को उसके अंदर का गुफा भी दिखाई दिया, उसके अंदर का रास्ता भी दिखाई दिया, यानी कि वहाँ एक मिस्टीरियस एक ब्रह्मांड था जहाँ वो चला गया है ना, उस तरीके से। द पेंटिंग इज़ गॉन बट द आर्टिस्ट हैज़ रीच इज गोल। भले ही वो पेंटिंग गायब हो गई, पेंटिंग वहाँ से वैनिश हो गई, लेकिन जो आर्टिस्ट था वो अपने लक्ष्य तक पहुँच गया। उसका लक्ष्य यही था ना अपने आप को उस एक पेंटिंग के थ्रू, हर पेंटिंग का, हर पेंटर का एक लक्ष्य होता है कि वो एक ऐसी अपनी पेंटिंग बनाए, अपनी मतलब वो एक ऐसी, ये चेहरे वाली पेंटिंग नहीं बोल रही हूँ, वो एक ऐसा आर्ट बनाए, एक ऐसा पेंटिंग बनाए जिससे वो जाना जाए, जो उसकी अल्टीमेट पेंटिंग हो, ठीक है, जो उससे डिस्क्राइब करे, जिससे वो जाना जाए। तो इसने, ये जो वू दाउजी था, वो अपनी उसी पेंटिंग के थ्रू वो जाना गया, उसकी आखिरी पेंटिंग थी वो। और आखिर अब जब वू दाउजी की बात आती है तो उसी कहानी से लोग उसको पहचानते हैं, उसके पहले भी तो उसने पेंटिंग बनाई होगी, लेकिन भले वो पेंटिंग गायब हो गई लेकिन वो उस अपने लक्ष्य तक पहुँच गया, यानी कि उसने अपनी पहचान वो बनाने में कायम हो गया बियॉन्ड एनी मटीरियल अपीयरेंस। और वो जो गोल होता है आर्टिस्ट का, वो लक्ष्य ये होता है कि मटेरियल नहीं, पैसा नहीं, सामान नहीं चाहिए, नॉलेज एक्नॉलेजमेंट चाहिए, हम लोग को हमको पहचान मिले, ठीक है, मेरे पेंटिंग से हम जाने जाएं, मेरे एक ऐसे एक पेंटिंग इतना फेमस हो कि लोग मुझे उससे जाने, ठीक है। वो पेंटिंग का जब जब नाम आए तो मेरा भी नाम आए, जैसे मोनालिसा तो लियोनार्डो दा विंची का नाम हमेशा आता है, लियोनार्डो दा विंची हमेशा इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं। फिर पिकासो की बात मैंने की तो पिकासो का भी एक पेंटिंग का नाम जो थोड़ा डिफ़िकल्ट है प्रोनाउंस करना, उनकी बात, तो ऐसे ऐसे कई सारे पेंटर्स हैं जिनके फेमस पेंटिंग्स हैं और पेंटिंग के थ्रू उनका नाम जाना जाता है, उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो उनको मटेरियल नहीं चाहिए, उनको नाम चाहिए, गोल उनका अल्टीमेट यही होता है। नाउ अ क्लासिकल चाइनीज लैंडस्केप इज नॉट मेंट टू रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू। अब वो फिर से बात कर रही हैं कि एक हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट जो होता है, एक लैंडस्केप जो होता है, कभी भी उसका ये मतलब नहीं होता है कि वो सामने वाले को पेड़ पौधा और हरे पत्ते और नदी और ये सारी चीज़ें दिखाए, उसका कभी भी ये मायने नहीं होता है कि एक्चुअली क्या दिख रहा है, उसका ये मतलब नहीं होता है। एज वुड अ वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग, जैसा कि वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग होता है, वेस्टर्न फिगरेटिव पेंटिंग यानी कि वेस्ट यूरोप में जो भी पेंटिंग की जा रही है, ड्रैगन हो या फ्लाई हो, तो लोग इस, वो इतना रियलिस्टिक दिख रहा है, एक्चुअल व्यू क्या है, मक्खी है तो मक्खी ही दिख रहा है, ड्रैगन है तो ड्रैगन ही दिख रहा है, और इतना रियलिस्टिक दिख रहा है कि लोग यकीन करने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे हैं कि ये सच है कि पेंटिंग है, ठीक है, इतना रियलिस्टिक दिख रहा है। वही चाइनीज पेंटिंग लैंडस्केप है लेकिन लैंडस्केप वो है ही नहीं, फोटो में लैंडस्केप दिख रहा है, पेंटिंग में लैंडस्केप दिख रहा है, लेकिन वो एक्चुअली लैंडस्केप नहीं है, वो कुछ और है। तो ये दोनों का कंपैरिजन, ठीक है, ये जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक पेड़ बना दिया, उसमें औरत दिखाई दे रही है, ठीक है, दिखाई हम लोगों को नहीं दे रही है, उस पेंटर की नज़र से देखेंगे तो वो एक औरत है, ठीक है, वो ऐसे करके। नदी बनाए हैं तो वो उसकी उसके बाल हैं, ठीक है, पहाड़ बनाया है तो वो उसका घूंघट है, इस तरीके के वो लोग इमेजिनेशन कर लेते हैं, पेंटिंग के थ्रू दिखाने की कोशिश करते हैं। और हम लोग वेस्टर्न पेंटिंग यानी यूरोपियन पेंटिंग क्या है कि अगर मक्खी है तो मक्खी दिखाई दे रहा है, शेर है तो शेर ही दिखाई दे रहा है, दांत है तो दांत ही दिखाई दे रहा है, मतलब जो भी चीज़ है वो एक्चुअली वैसी ही दिखाई देती है, चाहे वो पेंटर को दिखाई दे, चाहे वो व्यूअर को दिखाई दे, चाहे वो ऑडियंस को दिखाई दे, वो सबको वैसे ही दिखाई देगा जैसा वो है, ठीक है। वेयर एज द यूरोपियन पेंटर वॉन्ट्स टू यू टू बोरो हिज आईज एंड लुक एट अ पर्टिकुलर लैंडस्केप एग्जैक्टली एज ही सॉ इट फ्रॉम अ स्पेसिफिक एंगल, द चाइनीज पेंटर डज नॉट चूज अ सिंगल व्यू पॉइंट। अब देखो ये बात यूरोपियन राइटर्स की है कि यूरोपियन राइटर्स ने मक्खी बनाई है तो यूरोपियन राइटर्स को मक्खी ही दिखाई देगी, और हम लोगों को उनकी नज़रों से भी देखना होगा तो हमको मक्खी ही दिखाई देगी, यानी कि हमको बोरो करना होगा उनके नज़रिए को, मक्खी को अच्छे से देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, ठीक है, अब मुझे भी वो मक्खी ही दिखाई देगी। लेकिन मान लो कि उन्होंने कुछ ऐसा पेंटिंग बनाया है तो जो कि शेर है, मान लो तो शेर है, शेर के जैसा ही दिखाई दे रहा है, तो
वो हम लोगों को उनके नज़रिए के साथ उसको देखना होगा, तब भी हमको वो उनके नज़रिए से देखे या अपने नज़रिए से देखे हम लोगों को पर्टिकुलरली मान लो लैंडस्केप बनाया है, तो लैंडस्केप का पीछे का कहानी जानने के लिए हम लोगों को उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है कि लैंडस्केप है, पेड़ है, पहाड़ है, क्या है। वो यूरोपियन पेंटिंग में हमको वैसे ही दिखाई दे रहा है, लेकिन चाइनीज़ में क्या होता है, एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से देख ही नहीं सकते। एक स्टोरी में शायद बहुत सारी कहानियाँ हो सकती हैं, चाहे वो पेंटर जो जो कहानी आपको सुनाई देगा, जिस सुनाई सुना देगा और जिस जिस व्यू पॉइंट से वो देखने के लिए बोलेगा आपको, उस नज़रिए से वो पेंटिंग को देख सकते, शायद नहीं देख पाओगे आप, क्योंकि वो एम्परर को तो उसमें गुफा और ये सब चीज़ ने नहीं दिखाई दी ना, हम लोगों को नहीं दिखाई देंगी। लेकिन वो पेंटर का वो जितनी कहानियाँ जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिखाना चाहेगा पेंटिंग को, उसको वो उतनी सारी कहानियाँ वो बता सकता है। लेकिन यूरोपियन में क्या होता है कि हम लोग एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से ही उसको देखते हैं, और यूरोपियन पेंटर वो चाहेगा कि मेरी नज़र से व्यूअर उसको देखे, कि मैं अपना आँख दे दूँ जितने अच्छे से मैं देख रहा हूँ कि मक्खी है, तो मक्खी जैसे देखो तुम इसको, ठीक है, तो मेरी नज़र से देखो तो तुमको मक्खी नज़र आएगा उस तरीके से। लेकिन चाइनीज़ पेंटर जो है वो उसको एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू उसका है ही नहीं, इधर से देखेगा तो शायद उसको कुछ और नज़र आए, इधर से देखेगा तो कुछ और नज़र आए, उल्टा करके देखेगा तो कुछ और कहानी सुना दे, तो एक सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू से वो कभी भी अपनी पेंटिंग को नहीं देखता है। हिज लैंडस्केप इज़ नॉट रियल वन एंड यू कैन एंटर इट फ्रॉम एनी पॉइंट देन ट्रैवल इन इट, द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आईज टू ट्रैवल अप एंड डाउन। और जो चाइनीज़ पेंटर जो होते हैं वो कभी भी रियल लैंडस्केप को ड्रॉ नहीं करते हैं अपने हिसाब से, वो कभी भी रियल लैंडस्केप ड्रॉ नहीं करते हैं, वो चाहते हैं कि हम लोग उसके अंदर जाएं, जिस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमको अंदर ले जाना चाहते हैं उस पेंटिंग में, हम लोग उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसके अंदर जाएं, उसमें ट्रैवल करें, उसको घूमें, देखें, और द आर्टिस्ट क्रिएट्स अ पाथ फॉर योर आइज़, वो हमारे लिए एक रास्ता बना देते हैं ट्रैवल करने के लिए, ताकि हम लोग उसमें घुसें और उनके बताए हुए रास्ते पे चलते हुए अप्स एंड डाउन पेंटिंग को बैक अगेन आगे पीछे सब तरफ से उस पेंटिंग को देखें। जैसे कि वो चाह रहा था ना वो दाऊजी कि एम्परर अंदर आए, बाहर क्या दिख रहा है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, बाहर जो वो लैंडस्केप वो दिख रहा है वो तो एक्चुअली पेंटर के हिसाब से है ही नहीं लैंडस्केप, उसमें रियल लैंडस्केप तो उन्होंने बनाया नहीं है, उन्होंने क्या बनाया है गुफा के अंदर रास्ता है। अब वो अंदर जाते तो ऊपर नीचे दाएं बाएं सब तरफ से उस पेंटिंग को देखते ऑब्जर्व करते, तब जा करके उनके दिल को तसल्ली होती कि हाँ मैंने ये पेंटिंग को ऐसे करके समझाने की कोशिश की या मैंने ये बनाया। तो उसके लिए हम लोग को ज़रूरत है कि चाइनीज़ पेंटर के बताए हुए रास्ते पर जाना उसके नज़रिए से पेंटिंग को देखने की, इन अ लीजरली मोमेंट, और ये तुरंत नहीं हो जाएगा, इसके लिए हम लोगों को बहुत रिलैक्स होकर के चाइनीज़ पेंटिंग को देखना होगा, समझना होगा, ये एक क्षण का काम नहीं है, ये नहीं कि बस देखे और हो गया, ठीक है पेंटिंग देख ली हाँ बड़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये हम लोगों को रिलैक्स होकर के शांत दिमाग से जैसे जैसे उसमें पेंटर हम लोग को बताता जाएगा, जिस जिस नज़रिए से वो दिखाता जाएगा उस पेंटिंग के अंदर, उसके सोल में जा करके उसको एक्सप्लोर करके देखने की बात की जा रही है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर द कंपैरिजन बिटवीन द चाइनीज आर्ट एंड द यूरोपियन आर्ट, बोथ व्हाट आर दे ट्राइंग टू से हियर, व्हाट नैथली ट्रेवेरॉय इज ट्राइंग टू शो और पोट्रे और कन्वे हियर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, लेटर ऑन वी विल डिस्कस इट इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।